काला धन, भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ 9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक एवं निर्णायक आंदोलन के लिए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज आजकल पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में जाकर जहां एक ओर कार्यकर्ताओं की बैठकें कर उनमें ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को आंदोलन से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अपना कार्यक्रम संपन्न करने के उपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज ने कल महाराष्ट्र में प्रवेश किया। महाराष्ट्र में नागपुर पहुंचने पर सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा स्थली पहुंचे, जहां स्वामी जी महाराज ने अंबेडकर जी के सिद्धांतों एवं सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनका स्वधर्म, स्वदेश, स्वदेशी के प्रति बहुत ऊंचा सात्विक आग्रह था, उनका निर्भ्रांत रूप से मानना था कि हमारे देश के ही जो धर्म है, हमारे देश की जो पूंजी संस्कृति सभ्यता और विरासत है, उससे हम देश को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज़ादी के स्वाधीनता संग्राम के उस संघर्ष में यदि एक तरफ क्रांतिकारियों का योगदान है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का योगदान है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। इसलिए ये स्वदेशी की त्रिवेणी धारा बही थी, देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज आज़ादी के बावजूद जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो वंचित लोग हैं, आज भी उनको पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। तो इस देश में दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी जो पिछड़ा वंचित वर्ग है, उसको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, ये देश गरीबी से, भूख, अभाव, दरिद्रता से, बेरोजगारी से, महंगाई, कालाधन और भ्रष्टाचार जैसी जो विकराल समस्याएं, उनसे मुक्त हो, इसके लिए हमने आज यहाँ इस पवित्र भूमि पर आकर के, दीक्षा भूमि पर आकर के, पुण्य भूमि पर आकर के प्रार्थना की है और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लिया। दीक्षा स्थली के बाद नागपुर में ही स्वामी रामदेव जी महाराज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। नागपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक का हम कल प्रसारण करेंगे।